इम्तिहान हो गई बेशर्मी की। हाँ सच में दोस्तों, बेशर्मी की इम्तिहान हो गई है। मतलब इतना वर्स्ट मिसमैनेजमेंट आज तक मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जितना सीएमए इंस्टीट्यूट का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की बात हो, एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उनको, पेपर को जो उसका पैटर्न है उसको सेट करने की बात हो, और फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट को आने की बात हो, इतनी शर्म की बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैंने सुना पप्पन भाई का कोई ट्वीट आया है कि भाई एग्जामिनेशन कमेटी का मीटिंग कैंसिल हो गया है। मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया, मैंने बोला भाई 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इन महान लोगों को सीएमए स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद होकर देखने में आई थिंक पता नहीं क्या है, मतलब उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, इस बात की इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मतलब सीएमए स्टूडेंट इतना हैरान और इतना परेशान है कि वो ये सोच रहा है कि यार मैं इस कोर्स में आया ही क्यों। आप देखो पिछले 2-2.5 साल हो गए हैं, एग्जामिनेशन को करवाने से लेकर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिक्लेयर करने तक कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स। यही सीएमए का कोर्स आज से 2-3 साल पहले बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा था, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, स्टूडेंट का टाइम से कॉपी चेक हो रहा था, उनको रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन ये जो अभी काउंसिल यहाँ पर बैठी है, इन लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम को ईगो पर ले लिया है कि हम तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा के ही मानेंगे। अरे भाई ऐसा काम मत करो, सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, टाइम से आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, उन्हें ये नहीं पता कि भाई मैं एक ग्रुप का एग्ज़ाम दूंगा, मैं 2 ग्रुप का एग्ज़ाम दूंगा। और मुझे तो इनके इस तरीके से जो ये जो इनका जो काम है ना, वो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम दिसंबर से बढ़कर जनवरी में होने वाला है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अपना जो कोर्स था सीएमए इंटर और फाइनल का ऑलमोस्ट फ्री कर दिया था कि भाई टैक्सेशन का क्लास ले लो, 999 का आपको एक्टिवेशन चार्ज देना है, नया रिकॉर्डिंग है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके कह रहे हैं सर जब रिजल्ट आएगा ना तब हम आपका क्लास लेंगे, तब हम आपका क्लास देखना शुरू करेंगे। और बात भी सही है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है भाई माइंड में क्लैरिटी नहीं बनता। हम स्टूडेंट को कितना भी बोल दें यार तुम पढ़ाई करो कोई बात नहीं रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा, अरे जब तक उसको यही नहीं पता चलेगा कि उसका एग्जाम में फर्स्ट ग्रुप पास हुआ नहीं हुआ, सेकंड ग्रुप पास हुआ नहीं हुआ, वो आगे का प्रिपरेशन कैसे करेगा। उसको एग्जाम का फॉर्म भरना है, फिर उसका एग्जाम का फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका एग्जाम भी होना है। तो भाई जब तुम अभी अक्टूबर आ गया है, सेप्टेम्बर आ गया है, सेप्टेम्बर के एंड तक भी अगर तुम रिजल्ट नहीं दोगे तो बच्चा क्या खाक एग्जाम दे पाएगा। तो मुझे तो भाई इन लोगों की जो कहानी है वो समझ से परे है कि ये लोग किस चीज़ को ईगो पर लेकर बैठे। अरे भाई जब कोई चीज़ बस की नहीं है तो उसमें क्या हो गया। आपने कोई सोचा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का, आपको पता है कि आपका मिसमैनेजमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, तो ऐसा हट करने की क्या ज़रूरत है भाई। हट को छोड़ो ना, कह दो ना भाई नहीं हो पाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। वैसे भी कौन सा इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप बोल दोगे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो क्या आपका इज्जत डाउन हो जाएगा। वो तो पहले से ही डाउन हो रहा है, उसको और डाउन करने में तो आपको इतना सा ही तो बोलना है कि हाँ भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम करेंगे। आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए, आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाए, तब आप ले लेना ना ऑनलाइन एग्ज़ाम। बच्चों को हैरान और परेशान क्यों किया जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं इसको आग की तरह फैलाइए, जगह जगह पहुँचाइए, हर स्टूडेंट के पास पहुँचाइए, और इंस्टीट्यूट को ट्विटर पर जाके बार बार बोलिए कि एग्ज़ाम रिजल्ट जल्दी दो, एग्ज़ाम रिजल्ट जल्दी दो, ऑफलाइन एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट करो, ऑफलाइन एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट करो। गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, कोई वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर बोलो, वहाँ पर शिकायत लिखो, और डरो नहीं, शिकायत लिखने का अधिकार है आपको, कोई आपको फेल नहीं करने वाला है। आपको डर लगता है अपने पेरेंट्स से लिखवाओ, इंस्टीट्यूट को मेल करो, लेकिन दोस्तों रिजल्ट टाइम से चाहिए। पेपर होने में प्रॉब्लम है, रिजल्ट को डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम है, तो फिर आखिर में स्टूडेंट क्या करे भाई। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, वीडियो को आगे से आगे तक जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि जहां तक वीडियो पहुंचता है वहां तक आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचती है। और अपना कमेंट जरूर करिएगा कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हो अब रिजल्ट के बारे में, है ना, और आपकी जो पीड़ा है प्रॉब्लम है वो भी इस कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, और उन कमेंट से ही फिर मैं आप लोगों को आगे का रास्ता बताऊंगा।
तो दोस्तों अगर आप दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी पता भी नहीं दिसंबर एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जनवरी फेब में होगा, तो मैंने सीएमए इंटर और फाइनल का पूरा कोर्स टैक्सेशन का मेरा क्लासेस ऑलमोस्ट फ्री किया है। हैंडराइटिंग नोट्स और क्वेश्चन बैंक तो बिल्कुल फ्री है, एक रुपया का पेमेंट करना है आपको मिल जाएगा, बाकी 999 पे करो एक्टिवेशन चार्ज, पूरा क्लास मैंने वहां पर दे दिया है। एक बार डेमो लेक्चर देख लेना, मजा आ जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स बनवाए, सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, राइट। आपको केवल अमित कांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। और दोस्तों पेशेंस रखिए, भला बुरा तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, बस पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो, चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, आगे फिर अपकमिंग वीडियोस आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।